टीएनबी अवार्ड्स में यूपी तक की धूप, यूपी चुनाव में बेस्ट इलेक्शन कवरेज का जीता अवार्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आपके साथ अजीत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक गुप्त और विशेष सूचना के आधार पर कुलगाम पुलिस और 34 राष्ट्रीय राइफल्स ने आतंकवादी संगठन लश्करे तैयबा के एक ऐसे हाइब्रिड आतंकी को गिरफ्तार किया है जो अपने पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर घाटी में काम कर रहा था। यह आतंकी हाइब्रिड है और अब इस बात को लेकर चर्चा बहुत जोरों पर है कि आखिर ये हाइब्रिड आतंकी क्या होते हैं। दरअसल हाइब्रिड शब्द का इस्तेमाल वैसे आतंकियों के लिए होता है जिनका कहीं नाम नहीं होता, लेकिन ये बेहद कट्टरपंथी होते हैं और किसी आतंकी हमले को अंजाम देकर या उसमें मदद कर फिर नियमित जीवन में वापस आ जाते हैं, यानी कि बिल्कुल ये आम लोगों की तरह होते हैं। आपको बता दें कि पकड़ा गया हाइब्रिड आतंकी पाकिस्तानी दहशतगर्दों के साथ ही प्रतिबंधित संगठन लश्करे तैयबा के स्थानीय आतंकवादियों के संपर्क में था। स्थानीय आतंकवादियों ने ही उसे हमले को अंजाम देने का काम सौंपा था। ये बिल्कुल आम लोगों की तरह होते हैं, ये पहले मिशन को एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं, फिर ये नॉर्मल लाइफ जीते हैं, यानी कि ये लगातार आतंकी वाले मोड में नहीं रहते हैं। हाइब्रिड आतंकी का काम जो है वो दूसरे आतंकवादियों को आश्रय, रसद और दूसरी सहायता उपलब्ध कराने का भी होता है। इस आतंकी पर कुलगाम जिले में अपने साथियों को हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री मुहैया कराने की जिम्मेदारी से दी गई थी और अब ये जो है सेना की गिरफ्त में है। गिरफ्तार किए गए हाइब्रिड आतंकवादी की पहचान यामीन यूसुफ भट्ट के रूप में हुई है जो गढ़ियामा इलाके का रहने वाला है। उसके पास से कई आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद मिले हैं। सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किए गए हाइब्रिड आतंकी से एक पिस्तौल, एक मैगजीन, 51 गोलियां और 2 हथगोले बरामद किए हैं। इस मामले में पकड़े गए हाइब्रिड आतंकवादी के खिलाफ कुलगाम थाने में कई धाराओं में केस दर्ज हैं। अब पुलिस भी इस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल हाइब्रिड आतंकवादी की गिरफ्तारी कुलगाम पुलिस के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि आरोपी आतंकवादी जिले की भौगोलिक स्थिति को अच्छी तरह से जानता था और वो पीओके के आतंकवादियों से संपर्क में भी था और उन्हें कमांड और मार्गदर्शन देने का काम कर रहा था। लेकिन अब ये जो है सुरक्षा बलों के हाथ में लग चुका है और इसका भी हश्र वही होगा जो बाकी आतंकवादियों का होता है। आपको बता दें कि लगातार सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन चला रहे हैं और वो आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर उनके अंजाम तक उनको पहुंचा रहे हैं।